है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनल, आज मैं बनाने जा रही हूँ बीन्स की सब्ज़ी। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, प्लस न्यूट्रिशियस भी होते हैं हमारे बॉडी के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे फ्रेश बीन्स लिए हैं जिसे मैंने अच्छे साफ़ पानी से धो लिया है। अभी हम इसकी डंडी जो होती है वो कट कर लेते हैं, सेम जस्ट लाइक दैट। ऐसे करके मैं सारे हमारे बीन्स को अच्छे से क्लीन करके कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें कट कर लूँगी। आप चाहो तो बड़े टुकड़ों में भी कट कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कट कैसे किया है। ये जो बीन्स होते हैं, बहुत से लोग इसे सैलेड में भी सॉटे फ्राई करके खाते हैं। ये देखिए, मैंने इतने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अभी ऐसे ही मैं सारे बीन्स को कट करके रख लेती हूँ। तो आइए हम हमारे सब्ज़ी को बघार दे देते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन रखा है, उसमें मैं दो से तीन टेबलस्पून के करीब ऑयल डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड, यानी सरसों के दाने। जैसे फ्लेटेड होने लगेंगे इसमें मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा यानी क्यूमिन सीड्स। जैसे क्रैक हो जाएंगे इसमें हम डालेंगे करी का पत्ता, थोड़ी सी चॉप की हुई गार्लिक और 3 से 4 हरी मिर्च। यहाँ पे जो लहसुन डालते हैं, मुझे इसका जो अरोमा है ये बहुत अच्छा लगता है। कोई भी सब्ज़ी हम बनाते हैं, लहसुन डालते हैं कट करके, तो उसका जो टेस्ट आता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आता है। ये देखिए, मैं इसे थोड़ा सा ही सॉटे करूँगी, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा, गैस का जो फ्लेम है वो लो पे है, इसे लो पे ही पकाएंगे ताकि इसका जो फ्रेग्रेंस है, अरोमा है, वो और भी जायका जो बहुत अच्छा आएगा। अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है अनियन। अनियन को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे मैं इनमें ऐड करूँगी कटे हुए आलू यानी पटैटो। ये देखिए, हमारे जो प्याज है थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। मैं इसमें कटे हुए आलू डाल देती हूँ। आलू को मैंने चॉप किया है छोटे छोटे पीसेस में। आप यहाँ पे आलू पील करके भी कट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे पील नहीं किया है। इसे अच्छे से चला लेंगे। अभी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि इसे जब हम ढकेंगे ये अच्छे से पक जाएगा और थोड़ा सा पानी भी छोड़ देगा। उसी पानी में हमारे आलू भी है अच्छे से थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और जो प्याज है वो भी अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है लहसुन की। अभी मैं इसे ढक देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट होने के बाद मैं इसे फिर से एक बार चला दूँगी अच्छे से। अभी मैं इसमें डाल दूंगी हमारे बीन्स को जो मैंने पहले से ही चॉप करके रखे थे। ये देखिए, इसे अच्छे से कर लेती हूँ स्टर। इसका कलर देखिए, कलर कितना ब्यूटीफुल है। अभी इसमें थोड़ा सा मैं और नमक डाल दूंगी और इसे मैं ढक दूंगी। याद रखिएगा, मैंने पहले भी नमक इसमें ऐड किया था, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालिए। आप एक ही बार में भी डाल सकते हो। मुझे तो आदत है, मैं पहले प्याज भी डालूंगी तो भी थोड़ा सा नमक, आलू डालूंगी तो भी थोड़ा सा नमक। अभी मैंने यहाँ पर बीन्स डाल दिया था, बीन्स उसे भी मैंने थोड़ा सा नमक डाल के रखिएगा, ज़्यादा नमक ना होने पाए। इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। 5 मिनट के बाद आप चेक करोगे जो बीन्स है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और हमारे आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। अभी इसमें मैं डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून। और मैं इसे अच्छे से कर लूँगी
मिक्स। अभी हमारी जो सब्ज़ी है थोड़ी सी क्रंची भी है और थोड़ी सी सॉफ्ट भी है। हींग भी डाल देती हूँ, हींग डालना बहुत ज़रूरी है पेट के लिए। इसे अच्छे से मैंने स्टर कर दिया है। अभी इसमें मैं चॉप किया हुआ टोमेटो डालूँगी। टोमेटो से जो इसका मॉइस्चर होगा टोमेटो में, ये थोड़ा क्रंचीनेस, अभी जो सब्ज़ी की क्रंचीनेस है वो बरकरार है, बट जब इसमें टोमेटो में डाल दूँगी तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। खाने में भी ये जो टेस्ट आएगा इसका वो बहुत ही सुपर आएगा। ये देखिए मैंने टोमेटो डाल दिया है, दो छोटे छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने यहाँ पे दो टोमेटो डाल दिए हैं। और इसे मैं अच्छे से सेंटर में कर दूँगी, यानी कि हमारे जो टोमेटो है जल्दी से गल जाए। और इसका ढक्कन ला दूँगी। आफ्टर 2 मिनट्स हम टोमेटो को चेक करते हैं कि अच्छे से पक चुके हैं या नहीं। ये आप देख सकते हो ये अच्छे से पक चुके हैं। मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ सब सब्ज़ियों को। आप देख सकते हो इसका कलर भी, हमारी जो ये सब्ज़ी है ग्रीन बीन्स की सब्ज़ी, ये बनकर हो गई है रेडी। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा फुलके के साथ, पराठे के साथ, घी लगा के खाइएगा। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी फ्रेंड्स। और मेरी रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।